हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर क्या होता है, इसका यूज कैसे और क्यों किया जाता है, यह कैसे काम करता है, इसको कहां पर यूज किया जाता है, इसको क्यों लगाया जाता है, ये सब स्टेशन के किस पॉइंट पर लगाया जाता है या ट्रांसफार्मर के किस पॉइंट पर लगाया जाता है, हॉर्न टाइप या रॉड टाइप लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, इसका गैप कैसे मेंटेन किया जाता है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है, किस लिए यूज किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है या सर्ज अरेस्टर क्या होता है, यह एक ऐसा उपकरण है जो सर्किट बिजली के झटके से बचाने के लिए यूज किया जाता है। लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर को सब स्टेशन के इनकमिंग या आउटगोइंग पॉइंट पर लगाया जाता है या ट्रांसफार्मर के HV साइड में लगाया जाता है। इसे सर्ज अरेस्टर है, जैसा कि आप देख रहे हैं सर्ज अरेस्टर है। सर्ज अरेस्टर के अंदर जो है ऐसे पॉइंट होता है, यहाँ स्पार्क गैप रहता है, थायराइड, इसमें थायराइड रेजिस्टेंस होता है। थायराइड रेजिस्टेंस क्या, थायराइड रेजिस्टेंस की का क्वालिटी होता है कि हाई वोल्टेज पर इसका रेजिस्टेंस लो और लो वोल्टेज पर इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। इसमें एक काउंट, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, एक पॉइंट से इसका एक पॉइंट पर लाइन का एक पॉइंट दे दिया जाता है, दूसरा पॉइंट इसका अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ में क्या होता है, यहाँ पर काउंटर लग रहा था, काउंटर में लगा दिया जाता है, उसके बाद दूसरे पॉइंट को इसको अर्थ फिट, इसका अलग अलग अर्थ फिट होता है। आर फेज का अलग अर्थ फिट रहेगा, वाई फेज का अलग अर्थ फिट रहेगा, बी फेज का अलग अर्थ फिट रहेगा, तो तीनों अलग अलग सेपरेट जो है इसका अर्थ फिट से कनेक्ट कर दिया जाता है और तीनों फेज में अलग अलग सर्ज अरेस्टर लगा दिया जाता है। इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है, जिसका कनेक्शन पैरेलल में होता है, जब हाई वोल्टेज हुआ या लाइटनिंग जब पड़ती है या ओवर वोल्टेज होता है, या मान लीजिए लाइटनिंग पड़ा, इस पर लाइटनिंग हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा। जब हाई वोल्टेज होगा तो ये जो एयर गैप होता है, तो जब हाई वोल्टेज होगा तो इस यहाँ पे स्पार्क होगा, स्पार्क के फॉल्ट करंट जो है, स्पार्किंग के कारण फॉल्ट करंट जो होता है हाई हो जाता है। उस हाई करंट को ग्राउंडिंग करने के लिए ग्राउंडिंग करने के लिए ही सर्ज अरेस्टर को लगाया जाता है। जब हाई वोल्टेज होगा, लाइटिंग पड़ा, हाई वोल्टेज हुआ, अगर इसको नहीं लगाए हैं तो हाई वोल्टेज जो है सब स्टेशन के अंदर चला जाएगा, उसमें जो उपकरण लगे रहेंगे वो सब, उसका इंसुलेशन ब्रेक होने डर रहता है और ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए इसको लगाया जाता है। दूसरा है रॉड टाइप या हॉर्न टाइप क्या होता है। रॉड टाइप जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है या उसके बुशिंग पे HV साइड की बुशिंग पे आप देखे होंगे, तो यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता है, रॉड टाइप होता है। इसका गैप किस हिसाब से मेंटेन करते हैं, इसका गैप जो टोटल गैप जितना होगा, ये टोटल गैप जो रहेगा, टोटल गैप का 1/3, मान लीजिए टोटल गैप 600 mm है, 600 mm का 1/3 हो जाएगा 200 mm, तो इसका गैप जो रखेंगे वो 200 mm पे सेट करते हैं। और हॉर्न टाइप क्या होता है, हॉर्न टाइप जो होता है, जैसे मान लीजिए हॉर्न सिंग के आकार का होता है, जब यहाँ पर ओवर वोल्टेज होगा या लाइटनिंग होगा तो ये जो गैप रहता है यहाँ पर स्पार्क होगा, हाई करंट होगा, हाई करंट की वजह से इसको ग्राउंड कर देगा और यहाँ पर लेकिन अधिक हीट होगा। रॉड टाइप इसके इससे बेटर होता है हॉर्न टाइप, तो यहाँ पर हॉर्न टाइप इसलिए यूज किया जाता है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देता है। जब यह हाई करंट होगा तो ये हाई करंट को ग्राउंड कर देगा लेकिन उस एक बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसके एरिया को बढ़ा देगा, इसलिए यहाँ पर हॉर्न टाइप का यूज ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेहतर जानकारी जरूर मिली होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।